हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मजे में होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आजियो में रॉन्ग रिटर्न का क्लेम कैसे करना है। जी हां दोस्तों, अगर आप एक न्यू सेलर हैं आजियो में तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लेम करने से पहले हमें उसकी क्लेम की पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो आप जरूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 3 पे। तो यहाँ पे लिखा है डिस्प्यूट एंड रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लेम, क्लेम का टाइप किया है, किस टाइप का क्लेम है, क्लेम कोड। उसके बाद टाइमलाइन फॉर रेजिंग अ क्लेम, उसका टाइमलाइन किया है, 7 डेज है, 3 डेज है, क्या है। सीसीटीवी फॉरवर्ड का, यानी जब भी आप डिस्पेच करते हो ऑर्डर, उसका सीसीटीवी फुटेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीसीटीवी रिटर्न, जो भी रिटर्न आपको रिसीव हो रहे हैं, कस्टमर रिटर्न स्पेशली, ठीक है, वो आपको ओपन करने से पहले उसका वीडियो बना लेना है, ठीक है। उसके बाद कंपेंसेशन मैकेनिज्म दे रखा है, ठीक है। उसके तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं। ये जो पीडीएफ है ना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं बताने जाऊंगा ना, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि रॉन्ग या अदर ब्रांड या मिसिंग प्रोडक्ट का क्लेम कैसे करते हैं, ठीक है। तो वही हम डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं डैमेज एंड यूज रिटर्न। तो उसका जो कोड रहेगा, क्लेम कोड, वो GIT डैमेज रहेगा। तो उसका क्लेम हम कब कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम है 72 आवर्स, ठीक है। उसमें आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का वीडियो चाहिएगा। सेम चीज रहेगी पार्शियल रिटर्न। अगर 2 पीस का प्रोडक्ट था, 2 पीस आपने भेजे थे लेकिन रिसीव एक ही हुआ है, तो उसमें भी 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर आपको कर देना है। जब भी आपको रिटर्न रिसीव हुआ है ना, उसके 3 दिनों के अंदर ही आपको क्लेम कर देना है, ठीक है। उसका भी फॉरवर्ड और रिवर्स वीडियो आपको चाहिएगा। और यहाँ पे लिखा है रॉन्ग रिटर्न रिसीव अदर ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड कहते हैं, यानी कि रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया, जाहिर सी बात है रॉन्ग है तो आपका है नहीं, तो वहाँ पे वो उसका क्लेम कोड आएगा डिफरेंट ब्रांड। तो उसका भी क्लेम आप 3 दिनों के अंदर ही आपको करना रहेगा, तभी आपका क्लेम अप्रूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको तीनों, यानी कि दोनों वीडियो चाहिएंगे, फॉरवर्ड के और रिवर्स के, ठीक है। सेम चीज ज्यादातर 3 दिन के अंदर ही आपको कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग रिटर्न रिसीव सेम ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या रिसीव हुआ है, शॉर्टेज हुआ है, एम्प्टी बॉक्स हुआ है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। तो हम आ जाते हैं हम डायरेक्टली 8 नंबर के पेज पे, क्लेम का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट रिसीव डेट होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्डर आप डिस्पेच करते हो तो उसका डेटा आप मेंटेन तो रखते ही होंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड का तो आपके पास है, तो रिटर्न भी रिसीव होता है तो उसका भी डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर आईडी एंड रिटर्न आईडी, ये किस पे मिलेगा, जब भी आपको रिटर्न रिसीव होगा ना, उस पर मेंशन होगा ऑर्डर आईडी और रिटर्न आईडी, ठीक है। उसके बाद पीओ नंबर आपको मिल जाएंगी, जो पोर्टल से आप डाउनलोड करेगा रिटर्न शीट, वहीं से आपको ये पीओ नंबर मिल जाएगा। AWB नंबर, वो तो ऊपर पैकेट्स के ऊपर होता ही है, ठीक है। SKU ID भी आपको सीट में से मिल जाएगा, और आपका प्रोडक्ट है तो आपको पता ही चल जाएगा, या फिर भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि रॉन्ग प्रोडक्ट आया हुआ है, तो आपको रिटर्न रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है सेलर पोर्टल से, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये ट्रैकिंग नंबर फाइंड करोगे ना, तो उसके सामने SKU कोड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद EN नंबर भी आपको अगर रिटर्न की शीट में नहीं मिलता है, तो आप इन्वेंट्री का रिपोर्ट डाउनलोड करके वहां से फाइंड आउट कर सकते हो, SKU के सामने आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है 7 नंबर का पॉइंट, रीजन फॉर कंप्लेंट अलोंग विद कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्या रॉन्ग है, शॉर्टेज है, क्या है, तो आपको रीजन के साथ कंप्लीट डिटेल फिलअप करनी होगी। उसके बाद क्लेम कोड, वो आपको अगर आपके पास है तो मेंशन कर देना है। मैक्सिमम डिटेल प्राइस MRP मेंशन करनी है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी भेजी थी आपने, 1, 2 या 3, ठीक है, वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद क्रेडिट नोट, जाहिर सी बात है वो RTV हुआ है तो क्रेडिट नोट उसका इश्यू होगा, ठीक है। तो क्रेडिट नोट या फिर इनवॉइस नंबर आपको एंटर करना होगा। यहाँ पे लिखा है 12 नंबर का पॉइंट, CCTV फुटेज फॉरवर्ड एंड रिवर्स एज अ मेंशन अबोव, जैसा कि मैंने पहले ही आपको आगे बताया था। उसके बाद 13 नंबर का पॉइंट है, ऑल रेलिवेंट इमेजेस ऑफ द रिटर्न प्रोडक्ट एंड इट्स टैग, बारकोड एंड इमेज, जो भी इमेजेस चाहिए प्रोडक्ट के रिलेटेड वो आपको मतलब अटैच करनी होगी, ठीक है। 6 साइड इमेजेस चाहिए प्रोडक्ट की।
और साइन मैनिफेस्ट कॉपीज वेर एवर एप्लीकेबल, अगर जरूरत लगे तो साइन इनवॉइस कॉपी भी आपको देनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आजियो में कैसा है कि जो भी आप क्लेम करते हो ना, तो उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको देना रहता है, तभी वो क्लेम प्रोसीड करता है, अप्रूव होने के बाद प्रोसीड करता है, यानी कि क्लेम का पैसा आपको देगा। वो कैसे, फॉर ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग क्लेम वेंडर शुड प्रोवाइड अ नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी NDC विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वार्टर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्वार्टर दैट एंड 31 December 2021 NDC to be provided before 15 April 2022। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वार्टर है ये एंड हो गया है, तो उसका जो NDC है आपको 15 अप्रैल से पहले आपको देना होगा। एनी पेमेंट इंक्लूडिंग क्लेम्स इन द इवेंट ऑफ नॉन अधेरेंस टू हियर इन मेंशन टाइमलाइन टू प्रोवाइड NDC और NDCs रिसीव बियॉन्ड स्टिप्यूलेटेड टाइमलाइन फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर shall be held and rejected, you shall not be eligible for the further payment। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वो नहीं देते हो तो आपका क्लेम जो अप्रूव हुआ था ना, उसका पेमेंट आपको नहीं देगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 9 पे, ठीक है। तो यहाँ पे NXL दे रखा है किस तरह से, यानी कि कितना परसेंट आपको क्लेम का देगा, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंट आज आपको पैसा देगा। तो यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे कैटेगरी दे दी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी, अपैरल है, पर्सनल केयर है, ज्वेलरी है, ठीक है, ये सारी कैटेगरी दे रखी है। तो सब कैटेगरी यहाँ पे लिस्ट प्राइस वो हो गई जो सेलिंग प्राइस, जितने में आपका सेल हो रहा है, ठीक है, उसका आप 30% काउंट कर लीजिए, उतना ही क्लेम आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपकी लिस्ट प्राइस 2001 से लेके 5000 के बीच है तो 25%, और लिस्ट प्राइस 5000 से लेके ज़्यादा है तो उसका 20%, और पर्सनल केयर की आप बात करें, परफ्यूम्स है तो उसका 60%, कॉस्मेटिक है तो उसका 60%, ऐसे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये किस, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका कैलकुलेशन हम ऐसे समझ लेते हैं। सपोज मान लो कि आपके प्रोडक्ट की MRP है 1000 रुपीज़, ठीक है, वेंडर फंडेड डिस्काउंट, आपने 1000 रुपीज़ पे 40% डिस्काउंट दिया है, तो जाहिर सी बात है उसका सेलिंग प्राइस 600 हो जाएगा। एज अ मार्जिन यहाँ पे काउंट कर लिया है GIT मॉडल के हिसाब से 40%, ठीक है, 40% आप 600 का करोगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। उस पर आउटपुट GST 5% है, और आउटपुट GST यहाँ पे आ गया 5%, यानी कि 28.6, ठीक है। लिस्ट प्राइस आपका हो गया, यानी कि कमीशन काट के आपका लिस्ट प्राइस हो गया 331, ठीक है, और इनपुट GST उसमें 5% है, और इनपुट GST 5% यानी कि 16.6, ठीक है। तो दोनों को हम प्लस करेंगे ना, ये 16.6 को 331 को, ठीक है, तो 348 होगा, ये आपका हो गया लिस्ट प्राइस, सॉरी ये आपका हो गया लैंड प्राइस जो आपको मिलने वाला था, ठीक है, यानी कि लिस्ट प्राइस आप कह सकते हो। तो इसका 30% आपको काउंट करना है, तो 30% आप देख लीजिए कितना होगा, मैं बता देता हूँ कितना होगा, 348 ये हो गया 104 रुपीज। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, जब भी आपको गलत प्रोडक्ट यानी कि RTV रिटर्न रिसीव होते हैं, ठीक है, वो हम वीडियो प्ले करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रॉन्ग रिटर्न का वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को चारों तरफ से, यानी कि जो भी हमें रिसीव हुआ है ना कस्टमर रिटर्न, उस पैकेट को हमने चारों साइड से, यानी कि जितनी भी उसकी कॉर्नर होती है वो सारी की सारी हमने हाईलाइट किए, और रिवर्स शिपिंग लेबल जो इस पे लगा होता है वो भी आपको हाईलाइट करना है, ताकि आजियो को पता चले कि ये सही है, यानी कि जो आपने डिटेल्स दी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने चारों साइड की कॉर्नर भी वो स्ट्रेच करके हमने बता दिया कि ये कहीं से भी फटा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बैक साइड से उसको थोड़ा सा फाड़ेंगे चारों तरफ दिखाने के बाद, अब यहाँ से थोड़ा हम फाड़ेंगे और प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे। तो जैसे बाहर निकालते हो, प्रोडक्ट पूरी तरह से आपको विजिबल करना है कैमरा के सामने, ठीक है, कुछ इसी तरह से आपको वीडियो शूट करना होगा, तभी आपका क्लेम पास होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आपको क्या करना है कि उसका जो प्रोडक्ट और रिटर्न रिसीव हुआ है ना, उसका फोटो ले लेना है, ठीक है। जो रिवर्स शिपिंग लेबल है उसका फोटो कुछ इस तरह से लेना है कि सारी डिटेल्स वहाँ पे क्लियरली शो होनी चाहिए इमेज में।
उसके बाद जो प्रोडक्ट रॉन्ग रिसीव हुआ है उसका फ्रंट बैक और जो ये रिसीव हुआ है ना पार्सल उसके साथ भी प्रोडक्ट का फोटो एक इसी तरह से ले लेना है। उसके बाद उसका क्लोजअप इमेज अगर यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम होगा तो यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे सिर्फ साइज ही लिखा है मतलब इसका नॉन ब्रांडेड ये प्रोडक्ट है ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कवर कर लेना है कि जितनी हो सके उतनी फोटो आपको दे देनी है, मैक्सिमम 5 से 6 फोटो दे देनी है ठीक है, कुछ इसी तरह से आपको देना होगा। ये करने के बाद आपको ये जो क्लेम करते हो ना पाजियो में तो उसका एक एक्सेल फॉर्मेट है तो वो भी अटैच करना रहता है, तो वो कैसे फिलअप करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ये है आजियो का सेलर क्लेम ड्रॉपशिप क्लेम फॉर्मेट ठीक है। तो इसमें क्लेम के टाइप दे रखे हैं किस टाइप का आप क्लेम करने जा रहे हो, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको रॉन्ग रिटर्न का, तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड आपको चूज करना होगा ठीक है। तो जैसे आप डिफरेंट ब्रांड चूज करते हो उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी है कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आएगा क्लेम डेट, जिस डेट को आप क्लेम करोगे वही डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपका सेलर नेम जो आपकी कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद वेंडर कोड, अगर आपको वेंडर कोड नहीं पता है तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे डेली का मेल आता है वहां से आपको मिल जाएगा, या फिर आप sellers.ajio.com लॉगिन करोगे तो राइट हैंड साइड में टॉप में आपको दिखाई देगा आपका वेंडर कोड ठीक है, वहीं से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है ऑर्डर नंबर ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा कि ऑर्डर शीट से। उसके बाद परचेस ऑर्डर वो भी वहीं से मिल जाएगा। सेलर इनवॉइस नंबर जो आपने इनवॉइस नंबर दिया होगा वो आपको वहां से मिल जाएगा। ऑर्डर रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा और रिटर्न रिपोर्ट भी डाउनलोड कर लीजिएगा, तो दोनों में आप चेक कर सकते हो, डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएगी। फॉरवर्ड AWB नंबर जब आपने भेजा था उसका ट्रैकिंग नंबर क्या था वो यहाँ पे एंटर करना है। आइटम कोड, आइटम का कोड क्या है, सेलर SKU कोड। उसके बाद रिटर्न रिटर्न ऑर्डर आईडी, जब रिटर्न आता है उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। रिटर्न AWB नंबर, जी हाँ दोस्तों जब भी रिटर्न आपको रिसीव होगा उसका ट्रैकिंग नंबर होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद शिपमेंट आईडी ये मेंशन करना है। उसके बाद हम आते हैं फॉरवर्ड CCTV वीडियो लिंक। जी हाँ दोस्तों जब भी आपने ये पार्सल भेजा था जिसका आप क्लेम कर रहे हो उसका फॉरवर्ड का CCTV वीडियो चाहिए, वो आपको यहाँ पे उसका ड्रॉप बॉक्स का लिंक यहाँ पे मेंशन करना है यानी कि ऐड करना है। उसके बाद रिवर्स CCTV वीडियो, जो आपने वीडियो अभी हमने बताया था इसी तरह से आपको वीडियो शूट करना है अपने फोन से और उसका वीडियो का ड्रॉप बॉक्स का लिंक यहाँ पे मेंशन कर देना है यानी कि पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिक्स साइड ऑफ इमेजेस, तो यहाँ पे तो एक ही दिया हुआ है कॉलम ठीक है, तो आप क्या करोगे इसका एक फोल्डर बना दोगे, जितनी भी आपने इमेजेस ली है ना जैसे कि हमने आपको बताया वो एक फोल्डर में डाल दीजिएगा और उसको उसका एक ड्रॉप बॉक्स का लिंक बना के यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा ठीक है। उसके बाद इमेज ऑफ प्रोडक्ट सेंट लिंक, जो आपने प्रोडक्ट भेजा था उसका भी आपको इमेजेस लेना होगा और उसका भी सेम ड्रॉप बॉक्स का लिंक बना के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इमेज ऑफ प्रोडक्ट रिसीव लिंक, जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है उसकी इमेजेस का लिंक यहाँ पे आपको ऐड करना है ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी थी, जो रॉन्ग रिसीव हुआ है और जो आपने भेजा था उसकी क्वांटिटी कितनी थी, कितने क्वांटिटी का आप क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पे एक है। और क्लेम वैल्यू, तो क्लेम वैल्यू में बेस अमाउंट आएगी जो मतलब कमीशन काट के जो बेस अमाउंट होती है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है, ये आपको मिल जाएगी सेल रिपोर्ट में ठीक है। उसके बाद अकाउंट मैनेजर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद एडिशनल कोई रिमार्क ऐड करना है तो भी आप डाल सकते हो ठीक है। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको टिकट रेज करनी है sellerajio.com पे ठीक है, वो कैसे करते हैं वो हम बताते हैं आपको। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप SVF टिकट क्रिएशन प्रोसेस, वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा sellerajio.com, जिसे आप लॉगिन करते हो लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड एंटर करने होंगे, जिसे आप एंटर कर देते हो तो उसका होम पेज ओपन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा ठीक है। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है, जिसे आप क्लिक करते हो उसके बाद ये हेल्प सेंटर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपको यहाँ पे रेज ए न्यू टिकट का टैब दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड में टॉप में ठीक है, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इश्यू टाइप क्या इश्यू है ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा लिस्टिंग रिलेटेड इश्यू या रिटर्न रिलेटेड, तो हमारा कंसर्न है रिटर्न रिलेटेड तो हम चूज करेंगे यहाँ से रिटर्न। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्ट द रिक्वायर्ड इशू, क्या इशू है इसमें, तो हमें रिसीव हुआ है इनकरेक्ट आइटम रिसीव, तो यहाँ पे हम ये चूज कर लेंगे। तो अब हम आपको बताने वाले हैं रॉन्ग रिटर्न का क्लेम, तो मैं जाहिर सी बात है रॉन्ग रिटर्न का क्लेम पे उसी पेज पे हम डायरेक्टली आ गए। तो यहाँ पे हमने चूज कर लेना है सिलेक्ट लोकेशन, आपसे लोकेशन पूछा जा रहा है
तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपके वेयरहाउस का लोकेशन ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई दे रहा होगा, वही आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे लिखा है ऑर्डर आईडी, मेंशन ओनली इंटरनल रेफरेंस नंबर, यहाँ पे इंटरनल रेफरेंस नंबर ही एंटर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का टाइटल दे देना है, आप चाहे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव भी लिख सकते हो या सेम एज देना चाहते हो तो भी देख सकते हो, एसपीएफ क्लेम रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स में जानकारी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, या फिर सिंपल भी लिख सकते हो, रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट इन आरटीबी। इतना करने के बाद आपको क्लिक कर देना है क्रिएट टिकट पे, जिसे आप क्रिएट टिकट पे क्लिक करते हो आपकी टिकट जनरेट हो जाती है, यानी कि रेज हो जाती है। उसके बाद टिकट जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जो आपने एक्सेल शीट में डेटा फिलअप किया है ना, वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कमेंट आपको कर देना है, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो कि इसे चेक कीजिए और जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम को रिजोल्व कीजिए। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो केस के रिलेटेड, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर मीशो, जी हाँ दोस्तों, हम आपको हेल्प करेंगे कैसे ऑनबोर्ड होते हैं, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कैसे ब्रांड रजिस्ट्री होगा, कैसे अमेजोन का एपीओ भी प्रोसेस होगा, कैसे हम आपको मतलब इजी से प्राइम टैग फास्ट से फास्ट लाने की दिलवाने की आपको कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे आज ही आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वो सिर्फ व्हाट्सएप ही है, आप कॉल नहीं कर सकते, उस पर हम आपको सामने से कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर दोस्तों ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।